पंचकुला से जहां कोरोना का संदिग्ध मामला सामने आया कि बड़ी खबर आपको जा रही है। तो कोरोना का कहर लगातार बरकरार है, खतरा बना हुआ है। इसी बीच पंचकुला से मामला सामने आ रहा है जहां कोरोना का संदिग्ध मरीज सामने आया और 61 साल के संदिग्ध मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है पंचकुला से, भूटान से यात्रा कर ये व्यक्ति भारत लौटा था और फिलहाल कोरोना के लक्षण इसमें पाए गए हैं, जिसके बाद पंचकुला के नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। तो भूटान से भारत लौटे इस शख्स में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद पंचकुला के नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। ब्लड सैंपल लिए गए हैं और जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। फिलहाल तारा ठाकुर हैं हमारे संवाददाता पंचकुला से, फोन लाइन पर जुड़े हैं। तारा ठाकुर, देखिए संदिग्ध मामला ये कोरोना का सामने आया है, इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है पूरी दुनिया में जो है कोरोना वायरस जो है आतंक फैला हुआ, उसको लेकर जो है महामारी जो है हरियाणा में जो है घोषित कर दी गई है, तो वही जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। किसी प्रकार से जो लक्षण जो है कोरोना वायरस को लेकर जो है पाए जाते हैं, तो उसको लेकर पूरा अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग। तो अभी जो है एक भूटान से जो यात्रा करके पहुंचा था व्यक्ति, उसको जो है संदिग्ध जो है पाया गया है। उसके चलते जो है पंचकुला के सेक्टर 6 हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है कोरोना वायरस को लेकर, वहां पर उसको भर्ती करवाया गया है और उसके जो है सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल अभी देखना ये होगा कि जांच के बाद जो है क्या जो है रिपोर्ट आती है, लेकिन फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग पूरा सतर्क है और किसी प्रकार से कोई लक्षण पाए जाते हैं किसी व्यक्ति पर तो उसको लेकर पूरा जो है अलर्ट। ब्लड सैंपल लिया गया है और जांच के लिए लैब भेजा गया है, हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में सही जानकारी मिल पाएगी। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए तारा ठाकुर। तो बड़ी खबर आपको बताई पंचकुला से भूटान से लौटे 61 साल के एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। पंचकुला के नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, ब्लड सैंपल लिए गए हैं, लैब भेजे गए हैं, अब इंतजार है तो रिपोर्ट आने का।